जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के निर्देश पर जिले के स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसके संबंध में जिला प्रोविजन अधिकारी सरोजीत सिंह ने बताया कि जनपद में लावारिस बच्चे, मानसिक रोग से ग्रसित महिलाएं तथा विधवा महिलाएं देखरेख के लिए सभी शेल्टर होम के प्रभारी की बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि संस्थाओं में व्यवस्था बेहतर किया जाए और जो भी महिलाओं को रखा जाता है उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा के उनको एक अच्छा वातावरण दिया जाए। किन किन सुविधाओं की कमी है सही करके स्थानीय स्तर से निदान करने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला प्रोविजन अधिकारी सरोजीत सिंह ने कहा, बिल्डिंग सही निर्माण में कहीं दीवार गिर रहती है, शौचालय गंदा रहता है, कहीं बैठने खाने की व्यवस्था सही रहती है, छोटे मोटे समस्याएं आर ओ फिल्टर सभी इशूज लोग रहते हैं उसमें, उनके लिए कोई समस्याएं ना आए। तो ये हमें काम अगले 15-20-30 दिन में कराना है, उसकी हमने सूची बना ली है। आपसे अभी डीपीओ साहब ही बताएंगे अगले 5 मिनट तक, तो आप बताइएगा कि इसमें कोई आपको एडिशन या डिलीशन करना है, कोई बढ़ाना घटाना है तो आप बता सकते हैं। काम लॉजिकल टाइप के होने चाहिए, ये नहीं कि आप ऐसा कोई काम बता दें जो कि एक महीने दो महीने संभव ना हो। जो लॉन्ग टर्म काम है वो आप अलग से लिख के दे सकते हैं, हम लोग उस पर भी अलग से विचार करेंगे। ठीक है, इसमें सर दो तीन संस्थाओं में कुछ है सर जिनको हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसमें सर राजकीय महिला सचिवालय यहाँ पर थोड़ा तो सर ठीक चल रहा है। एक अच्छा कुछ आपने बता रही थी कि कुछ ऐड करना है इसमें। जी सर, हाँ दो बातें हैं मैं ऐड करना चाहती हूँ। पहला कि जैसे यदि हमें हो भी जाता है कि वो हॉस्पिटल में टेस्ट अवेलेबल है तो हम वहाँ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये हम लोग करा देंगे। और दूसरा ये कि जो हमारे जो ओपन नाला है इससे मच्छर बहुत ज़्यादा। ठीक है, दोनों नोट हो गया, और इसके अलावा बस ये ठीक अगला बताइए बाकी लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग को पेंशन भी अगर मिल जाए तो अच्छा, इसके अलावा एक ये बैठक जनपद में जो हमारी संस्थाएं संचालित हैं विभिन्न तरह के, जैसे हमारे बच्चे जो लावारिस साथ में मिलते हैं या फिर जो महिलाएं बुजुर्ग महिलाएं हैं या मानसिक विक्षिप्त महिलाएं हैं, मंदित महिलाएं हैं, इन महिलाओं की देखरेख के जो लोग होम संचालित होते हैं उन सभी होम के प्रभारी और अधीक्षकों की बैठक थी। ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन क्रम में हम लोगों का प्रयास है कि इन संस्थाओं में व्यवस्थाएं बेहतर किया जाए और इनको जो भी महिलाएं रहती हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा करके उनको एक अच्छा वातावरण दिया जाए, इसी के संबंध में बैठक संस्थाओं की बुलाई गई थी, जिस पे हम लोग सर के निर्देशन में गैप एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या सुविधाएँ की अभी भी कमी है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको स्थानीय स्तर से उसको निदान करने का प्रयास किया जाएगा।